सैनिकों का अपमान करते हैं, जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करते थे, उनको गली का गुंडा कहते थे भाइयों बहनों, आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वोटों का समय देखकर। इसलिए हमें जवाब देना चाहिए कि देश के अंदर 40 सालों से रुका हुआ वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने लागू किया, देश के अंदर अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छा उनको भोजन, ये सब देने का काम, ये सब नीति में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, देश सुरक्षित रहे। अगर देश के अंदर, देश के बाहर या अंदर से कोई भी दुश्मन हमारे देश पर हमला करता है तो उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है, गोली का जवाब गोलों से देती है। और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, यहाँ नरसिंह बाबा, यहाँ बाबा बद्री विशाल, इस धरती के लोग चाहते थे, उत्तराखंड के लोग चाहते थे कि भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बने। ये पहला अवसर होगा, कल रामनवमी आ रही है, भगवान अपना जन्मदिन अब टेंट में नहीं मनाएंगे, अब भगवान राम अपना जन्मदिन अपने महल में मनाएंगे। ये अवसर भी हमको, इस अवसर का साक्षी बनने का ये सौभाग्य भी हमको मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम आपकी सरकार ने किए हैं, आप सब जानते हैं, चाहे समान नागरिक संहिता की बात, आज हम जहां समान नागरिक संहिता लागू कर रहे हैं देश प्रदेश के अंदर, हमारी पार्टी के संकल्प पत्र में भी उसका संकल्प लिया गया है कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होगी। एक तरफ हम कह रहे हैं सबके लिए समान कानून होना चाहिए, हमारी महिलाओं के उत्थान होना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी समृद्धि होनी चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है देश के अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होना चाहिए। भाई कहां ये तुष्टिकरण, जो देश की आजादी के बाद से वोट बैंक की राजनीति जो हमेशा करते रहे, उससे पीछा इनका नहीं छूट रहा। भाइयों बहनों, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ये वही कांग्रेस है क्या जिसने देश के अंदर 60 सालों तक शासन किया है, 60 साल तक देश की सत्ता पर काबिज रही है, आखिर क्या हो गया है? आज समान नागरिक संहिता की ओर देश आगे बढ़ चुका है, समान अधिकारों के लिए देश आगे बढ़ चुका है, सबको इस देश में आगे आने का अवसर प्राप्त हो चुका है भाइयों बहनों। और कांग्रेस वही, अभी अनिल जी कह रहे थे कि विधानसभा का चुनाव आता है तो कहते हैं उत्तराखंड के अंदर हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, सरकार में आते हैं तो कहते हैं शुक्रवार के दिन नमाज होगी और नमाज की छुट्टी होनी चाहिए, हम अतिक्रमण हटाते हैं तो हमसे कहते हैं ये धर्म की बात कर रहे हैं। अरे भाई, अगर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करना क्या अधर्म है क्या? बताइए आप, धर्म का काम है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अतिक्रमण हटाना कोई अधर्म है क्या? हम धर्म का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों, हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम लव जिहाद